हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो मैं बहुत दिनों बाद आज फिर से एक ब्लॉग लेके आई हूँ। मतलब आज हम जाने वाले हैं एक मॉल की ओपनिंग सेरेमनी में, मतलब हमारे गोरीपुर में, मतलब मेरे होम टाउन पे एक मॉल, नया मॉल ओपन होने वाला है जो कि स्टाइल बाज़ार है, आप सब शायद जानते हैं। तो वहीं पर, क्योंकि वो मेरे नानू के बिल्डिंग में होने वाला है, तो नानू से ही ओपनिंग कराने वाला है, तो उसी में हमको सबको इन्वाइट किया है, तो वहीं पर जाने के लिए रेडी हो गए हैं। मतलब शॉपिंग करने में हम सब भी माहिर है ना, तो अगर होम टाउन में मॉल है तो मतलब एक ही जगह में सब कुछ मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग वहीं पर जाने के लिए रेडी हुए हैं। अभी मम्मी मुझे आज आ रही कि पापा के बिल्डिंग में मॉल ओपनिंग होने वाला है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और ये है मेरी बड़ी मामी की टेरेस की गार्डन जो बहुत ही सुंदर है, मामी सब अपने हाथों से ही लगाया है। यहाँ पर सभी पेड़ का, फ्रूट्स का पेड़ है, लगभग चेरी बोलो, ग्वावा बोलो, मैंगो बोलो, मतलब बहुत सारा है। और फिर हम लोग चलने लगे मॉल की तरफ। हमको पहले बोला गया था कि 9 बजे को आना है, लेकिन फिर टाइम चेंज होके हो गया है 1 बजे को। मतलब हम सब रेडी होके बैठ गए थे, बहुत ही इरिटेशन हो रही थी कि रेडी होके बैठना बहुत ही ख़राब लगता है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर उन लोगों ने रिबन कट किया नानू से, और नानू ही ओपनिंग की ये मॉल की। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश थी आज, क्योंकि आज फर्स्ट डे था और सभी लोग, मतलब वहाँ पर ऑफ़र में भी मिल रहा था सब कुछ, तो बहुत ही रश थी। सब लोग ही गए थे देखने को कि फर्स्ट मॉल है, मतलब हमारे होम टाउन में है, बहुत ही स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो हमारे टाउन में एक नया मॉल ओपन हुआ है जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक तो मतलब नहीं तो हमको मॉल के लिए धुबरी में जाना पड़ता है, तो अब शायद इतना नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छा अच्छा कपड़ा मिल रहा था। और यहाँ पर हम लोग सब लोग एक इम्पॉर्टेंट पर्सन को ढूंढ रहे थे, हमारे छोटू मामा के बेटे, जो ये रहा, वो नानू के गोदी में है। और फिर यहाँ पर सबको, मतलब हमारी जो SMS गामोसा है, हम लोग गामोसा बोलते हैं, वो सब दिया सबको, हम लोगों को। तो फिर और फिर पैकेटिंग, वो कुछ फूड प्रोवाइड कर रहे थे हम लोगों को, तो वो सबको आप सब बस देखिए, इतनी ज़्यादा रश थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेले में आए हैं, इतनी ज़्यादा रश थी। मैं तो मतलब हंस रही थी कि ये क्या हो गया, इतनी ज़्यादा रश है आज यहाँ पर। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, मतलब इतना नहीं देख पाए अच्छे से, क्योंकि इतनी भीड़ में कौन ही इतना शॉपिंग कर पाता है यार। तो फिर इतना शॉपिंग नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ हम लोगों ने लिया। और ये है मॉल का ओनर अंकल, जो बहुत ही अच्छे हैं, और साइड में जो है वो है मॉल का मैनेजर, मतलब वही रहने वाले हैं, जो मेन ओनर है वो नहीं रहने वाले यहाँ पर। और हम सब घूम के देख रहे थे क्या क्या है, लेकिन इतना नहीं घूम पाए क्योंकि रोजे से है, और फिर बहुत ही मतलब टायर्ड भी लग रहा था क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग ऐसे ही थे। और फिर यहाँ पर मैं मम्मी से पूछ रही थी कि ये ड्रेस कैसा लगा, मैं ले सकती हूँ क्या? मम्मी ने बोला नहीं, ये नहीं ले सकती तुम। फिर मम्मी ने मुझे एक चॉइस करके दिया कि ये लो, और ये है मेरी फ्रेंड जिसके साथ बहुत दिनों बाद मुझे मिलना हुआ है। और फिर यहाँ पर बिलिंग हम करने आए, लेकिन काउंटर में इतनी ज़्यादा लाइन लगी थी ना कि हम सब, मतलब फिर हमको लेके गया उनका ऊपर वाला जो पर्सनल वाला जो काउंटर है वहाँ पर, और वहाँ पर जाके हम लोग बिलिंग किए हैं। और ये है मेरे छोटे मामा, तो हम सबको वहाँ पर ही लेके गए कि चलो इधर, मतलब बहुत भीड़ है तो ऊपर ही कर लो आप सब। तो फिर वहाँ से निकल के हम लोगों को मतलब आइसक्रीम मिल रहा था, लेकिन हम खा नहीं सकते क्योंकि हम, मतलब हमारा रमज़ान चल रहा है। और ये है जो मॉल है, ये मतलब हमारे गोरीपुर में जो बैपरी पुट्टी है, बैपरी पुट्टी के नाम से हम जानते हैं, उसी में ही है स्टाइल बाज़ार। तो आइएगा आप सब भी, और ये कुछ फ़ोटो लिया हम लोगों ने एक साथ। तो बस आज की ब्लॉग इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।